वृंदावन थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित रंगजी मंदिर में उस समय हड़कंप मच गया जब बाहर से आए हुए श्रद्धालु और वृंदावन के रहने वाले वृद्ध पर एक जर्जर लोहे का गेट मंदिर प्रबंधक की लापरवाही के चलते गिर गया। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मंदिर का मुख्य गेट काफी दिनों से जर्जर था जिसकी ओर मंदिर प्रबंधक का कोई ध्यान नहीं था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार टुंडा से वृंदावन मंदिरों के दर्शन करने के लिए एक परिवार आया हुआ था जिसमें से 3 लोग घायल हो गए। वहीं उनमें से एक युवती की हालत गंभीर बनी। कितने लोग दब चुके हैं उसमें? 3 लोग दबे। एक ही परिवार के हैं सर? क्या नाम है? शशि गुप्ता, निधि गुप्ता, सोनी गुप्ता। हेलो, कहाँ से आए आप? टूला से आए। दर्शन करने आए थे? हाँ, दर्शन करने आए। किसी की हालत तो होगी, कैसी हालत है? गंभीर ही है, दोस्तों के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण शर्मा है। अभी क्या हादसा हो गया यहाँ पे? या हादसा ये हो गया कि गेट था, बहुत समय से जर्जर स्थिति में था, मंदिर वालों का ध्यान नहीं था गेट की तरफ। ध्यान होता तो ये हादसा नहीं होता। उसकी वो ऊपर से लोहा जो उसमें घुसा हुआ है वो टूट गया और वो गेट गिर गया। यहाँ 3 यात्री लोग खड़े थे, एक माँ और उसकी 2 बेटी और एक मांगने वाला भिखारी। तो चारों लोग उस गेट के नीचे आ गए। अगर यहाँ विप्र समाज नहीं होता तो शायद एक लोग क्षति ज़्यादा पहुँच जाती और एक आध मर जाता। किस मंदिर का गेट है ये? रंगनाथ मंदिर का गेट है, सोने के खंभे वालों का। ये जो घायल हो गए उनको कहाँ ले गए? मायावती हॉस्पिटल ले गए उनको उपचार के लिए। ये पुराना जर्जर था, इसकी शिकायत किसी ने करी थी मंदिर में? नहीं, शिकायत वगैरह किसी ने नहीं की। ये तो मंदिर का काम है, देखने का काम है, देख रेख का मंदिर का। बहुत कर्मचारी लगे हुए हैं पूरे मंदिर में, कम से कम ज्यादा नहीं तो 200 कर्मचारी होंगे। पहले से जर्जर अवस्था में था ये गेट? हाँ, पहले से जर्जर अवस्था में था, थोड़ा बहुत तो पहले से था। और गिरने में ये क्या है, भगवान की भी कुछ लीला है, क्या समझोगे उसको। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।